प्लेटफॉर्म कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज टाइटल से आप समझ रहे होंगे कि वीडियो किस बात पे है। वीडियो इस बात पे है कि हमारी ईदी आई है, और हमारी ईदी कहाँ से आई है तो वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। आज भी निशान नहीं है, बच्चे हैं, ये हुदा है, उर्वा है हमारे साथ। तो ये जो है हम लोग आपको दिखा रहे हैं, बैठो उधर। तो क्या क्या चीज़ें आई हैं ईदी में और किसने भेजी है वो तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आई हैं, कहाँ से आई है हमारी ईदी। तो ये जो है मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कहाँ से आई है, क्या क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले चलें स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ किसकी क्या क्या चीज़ें आई हैं और कितनी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मिन्हाज का जो है, ये देखिए आप मिन्हाज की टी शर्ट आई है। ये जो है चेस से लिए चेस की टी शर्ट है, ये मिन्हाज की है, और इसके साथ जो है ये जीन्स का शॉर्ट है, ठीक है। तो ये आई है मिन्हाज की ईदी, मिन्हाज के लिए ये आई है। और उसके बाद जो है इसी तरह निशान का ये शॉर्ट है, और इस आलिशान की ये टी शर्ट है इसी के साथ ना। तो ये आया आलिशान के लिए। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई आलिशान की, उसके बाद आलिशान और मिन्हाज का क्या और चीज़ें आई हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ जी उनके जो है शलवार कमीज भी आए हैं दोनों के। तो वो भी आप देखें किस तरह के हैं, उन्होंने अपनी चॉइस भी भेजे हैं। ये जो है ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला सेम कलर है, सेम ही डिज़ाइन है प्लेन कपड़े में, ये मिन्हाज का है, और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये आलिशान का। तो ये दोनों के जो है शलवार कमीज भी हैं दोनों। फिलहाल मैं आपको कुर्ते दिखा रही हूँ इन दोनों के, तो एक एक अलग अलग करके भी दिखा देती हूँ। ये मिन्हाज का है और ये वाला जो है ये आलिशान का है, सेम है दोनों का। ये भी चेस से ही खरीदे हुए कुर्ते हैं, और ये इसी तरीके से इनके नीचे जो है पजामे दिए हुए वाइट कलर के कपड़े के, दोनों के ही पजामे। तो ये जो है शलवार कह लें आप, पजामा कह लें एक बात है, तो ये दोनों के जो है पजामे। तो उसके बाद जो है निशान के लिए भी आया है, ये देखिए निशान की शलवार कमीज, ये निशान के का कुर्ता है, स्टिच कुर्ता है ये निशान का, और साथ में जो है उनके जो है शलवार दी गई सिल्क के कपड़े की ना। ये भी कपड़ा थोड़ा सिल्क टाइप का ही है, कॉटन प्योर कॉटन में नहीं है, तो रेशमी में ही है ये कपड़ा भी। और ये आया निशान का, ये भी रेडीमेड है, और इसके साथ जो है ये इस तरह से करके शलवार दी गई है ना। तो ये सब जो है स्त्री होंगे जो पहनेंगे, लाजमी सी बात है, आए हैं तो पहनेंगे भी ज़रूर। तो उसके बाद जो है ये उदा उठा उठा कर दे रही है, ये जो है ये उर्वा का है, ये उर्वा का है, ये बहुत प्यारा था, उर्वा को बहुत पसंद भी आया है। उर्वा का ये भी चेल का ही है ये ना, और इसके साथ जो ये टी शर्ट है उर्वा की, और इसके साथ उर्वा का जो है ये पीछे टाइट्स दिया हुआ है वाइट कलर। वैसे तो मैं जो है वाइट लेती नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने अपनी चॉइस के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोग जो है गंदा कर लेते हैं फ़ौरन वाइट कपड़ों में बहुत जल्द, तो इस वजह से वाइट नहीं लेती। पर इसके साथ मैचिंग यही हो रही होगी, तो इसी वजह से जो है ये वाइट लिया। चले पहना के ईद पे जो है उतार के रख लेंगे कि भाई दोबारा आने जाने में पहन लेंगे। अभी उदा को जो है अपने कपड़े दिखाने की बड़ी जल्दी हो रही है, तो उदा जो है बार बार अपने कपड़े उठा उठा के दे रही है। ये उर्वा के हैं, और अब जो दिखा रहे हैं अब जो उदा उठा कर दे रही है वो जो है उदा के। तो ये जो है ये यहाँ रखी, ये रखी, ये भी टाइट, ये शर्ट है, ये भी चेस की ही शर्ट है, और इस पर प्राइस भी मेंशन है 399 की जो है ये शर्ट है, उदा की है ये ना, इस पर लिखा हुआ भी है स्मार्ट तरीके से करके ना। अच्छा है ये, मुझे इस तरह से डार्क कलर बच्चों के लिए सही लगते हैं, ये जो डार्क कलर होते हैं ना गंदे भी कर लेते हैं अगर जल्दी, तो इतना जल्दी पता नहीं लगता। तो इस पर लिखा हुआ है स्मार्ट इज द न्यू प्रिटी, यानी बहुत प्यारा सा कोट भी लिखा हुआ है। और ये जो है उदा के हैं, और उदा के साथ इसके साथ क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके साथ जो है उदा का एक मिनट का हो गया, ये जो है उदा का टाइट साथ लगा हुआ, ये भी चेस का ही टाइट है, 199 प्राइस दिख रहे हैं। ये सारी ईदी जो है ये हमारी आई है, ये हमने कुछ भी खरीदा नहीं है, ये सब किसने भेजा है मैं आपको बताती हूँ अभी। और साथ में ये जो है निशान की इस तरह की दो शर्ट्स आई हैं, जो ऑफिस वगैरह में पहनने के लिए ना, इस तरह की शर्ट कॉलर के साथ ये वाली शर्ट्स आई हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कपड़ा है, सही है इसका, जो गर्मियों के हिसाब से नरम कपड़ा है। तो ये शर्ट आई है निशान की दो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों शर्ट्स हैं, ये नहीं है चेस की, ये बेंजोर की है। तो ये इस तरह से करके दो शर्ट्स आई हैं निशान की, और साथ में एक चीज़ और आई है निशान की, वो है ये जीन्स की पैंट, ठीक है। तो ये जो है ये भी निशान की जीन्स की पैंट आई है, और ये जो है ये मेरे लिए आया है, ये खादी की उन्होंने जो है खादी की जो है उन्होंने मुझे कुर्ती दी है, और
स्टिच कुर्ती है ये, और साथ में उन्होंने जो है इसके साथ उन्होंने मुझे दिया है ब्लैक कलर का ये ट्राउजर भी, इसमें एम्ब्रॉयडरी है। ये जितने भी कपड़े आए हैं इसी तरीके से स्टिच हुए हुए आए हैं, और ये जो है मुझे अच्छी लगी। ये देखिए थोड़ा अनरखा स्टाइल का ये अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा ढीले ढीले ही कपड़े पहनती हूँ। तो ये देखिए अनरखा स्टाइल में जो है ये सारी इस तरीके से करके, तो ये जो है स्टिच में ही आई थी। ये दुआ के भी आए थे कपड़े, दुआ की भी कुर्ती इसी तरीके की स्टाइल की कुर्ती आई थी, पर वो नानों के घर पे रहती है तो जैसे ही आए कपड़े वो उठा के ले गई कि मैं जो है अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ। उसके साथ जो है टाइट्स भी लेना था, तो शायद इसी वजह से ले गई कि मैं जाके जो है वहाँ पर टाइट्स ले लूँगी। तो ये सारे कपड़े आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट करके कि सबकी ईदी कैसी लगी, सबसे अच्छे कपड़े किसके लगे। भाई उदवा उदा दोनों बैठी हुई हैं, दोनों में से किसके अच्छे लगे आप लोगों को कपड़े ज़रूर बताइएगा। उदा के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे हैं या उदवा के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे हैं, पर कपड़े सबके अच्छे हैं। ये कपड़े जो हैं किसने भिजवाए हैं, कपड़े भिजवाए हैं निशान की अम्मी ने, उन्होंने दिए हैं ये सारे कपड़े ईद के लिए, मतलब ईद पर जैसे ईदी आती है इस तरीके से उन्होंने ये सारे कपड़े दिए हैं बच्चों के, निशान के, मेरे सबके बनाकर दिए हैं। एक सूट और था दुआ का, तो दुआ ने जो है जिस दिन दुआ की आमीद थी तो उस दिन जो है दुआ ने पहन लिया था। दुआ की आमीद थी ना, मैं आपको बताया था मैंने, दुआ ने जो है सेकेंड टाइम निशान ने बताया था जब सेकेंड टाइम दुआ ने जो है कुरान किया था, तो उस दिन जो है दुआ ने वो वाला सूट पहन लिया था ब्लैक एंड वाइट कलर का वो पहन लिया था। तो इस तरीके से करके दुआ के दो सूट थे और निशान के जो है दो शर्टें हैं, और उन्होंने भेजी है भाई थैंक यू सो मच, उन्होंने जो है सबकी दीदी भेजी है। और देखें हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ये कि बच्चों का लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे क्योंकि बस रमज़ान वाला महीना था, रमज़ान में भी आपको पता है कि खर्चा एक्स्ट्रा ही हो जाता है, तो भले बच्चों के रोज़े नहीं हों या हमारे भी मुकम्मल हो या नहीं हो, पर एहतमाम तो होता ही है, उसकी कोई वीडियो शूट करके नहीं डाल सकती माजरत के साथ। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर अभी तो बचे हुए हैं रोज़े, अगर किसी दिन ऐसा हो सका कि उस टाइम पर हम कर सकें शूट तो लाजमी करेंगे। आपने बताना है कि ईदी सबसे अच्छी किसकी लगी, तो ये कपड़े सबके अच्छे लगे या जिशान के ज़्यादा अच्छे लगे या बच्चों के ज़्यादा अच्छे लगे, मेरा मतलब भाड़ी की जो कुर्ती है वो अच्छी लगी, आप लोगों ने कमेंट में आके ज़रूर ज़रूर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। निशान नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे होंगे कि भाई निशान भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, निशान भाई की टफ रूटीन हो गई है, निशान की जो जॉब है, निशान का जो है माशाल्लाह से प्रमोशन हुई है निशान की, तो इस वजह से जो है निशान ज़्यादातर टाइम अब अपनी जॉब को ज़्यादा दे रहे हैं, कोई लीव नहीं ले रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं, लेट नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर जा रहे हैं, क्योंकि तरक्की हुई है तो लाजमी सी बात है फिर परफॉर्मेंस भी उतरानी होती है। तो इस चक्कर में जो है निशान माशाल्लाह माशाल्लाह भाई इतना टाइम पर निकल जाते हैं वीडियो, जब मैं मेरे पास टाइम होता है वीडियो बनाने का तो निशान नहीं होता, तो इसलिए निशान ने कहा आप तो कंटिन्यू करो कम अज़ कम आगे, क्योंकि हमारे तो फैमिली ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ था, सबको पता है फैमिली ब्लॉगिंग से ही हमने स्टार्ट किया था, और हमारा मेन एम जो था वो अपनी फैमिली ब्लॉगिंग ही करना। बीच बीच में मार्केट से हम जो जाते रहते हैं या जाएँगे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, मालूम दी हुई है, आने वाली वीडियोज़ में जो है आपको बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नई वीडियोस हैं, नई मालूमती वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है निशान नेक्स्ट टाइम हो या नहीं भी हो, तो रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।